ये तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कंपेयर करेंगे दोस्तों Redmi Note 6 Pro और Realme 2 Pro का, जहां दोस्तों दोनों मोबाइल फोन इंडिया की मार्केट में बड़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं और दोनों ही मोबाइल फोन में हमें दोस्तों फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि दोनों मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन और प्राइस में हमें क्या अंतर देखने को मिलता है और कौन सा मोबाइल फोन इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि इन दोनों मोबाइल फोन में से आप लोगों को कौन सा मोबाइल फोन खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर आटी आपका स्वागत करता हूँ फालतूटेक चैनल में। दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही मोबाइल फोन की स्क्रीन साइज की। तो दोस्तों Redmi Note 6 Pro में हमें 6.26 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और दोस्तों मोबाइल फोन की स्क्रीन पर हमें नोच भी देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों Realme 2 Pro की। तो दोस्तों Realme 2 Pro में हमें 6.3 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी और इस पर भी हमें वाटर ड्रॉप नोच देखने को मिल जाता है। दोस्तों दोनों ही मोबाइल फोन में हमें रेजोल्यूशन फुल एचडी प्लस देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं मोबाइल फोन के परफॉर्मेंस की। तो Redmi Note 6 Pro में हमें कोलकॉम स्नैपड्रैगन 636 का चिपसेट मिलेगा। मोबाइल फोन दो वेरियंट्स में आता है, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज, 6GB रैम और 64GB स्टोरेज। हालांकि दोस्तों Redmi Note 6 Pro के स्टोरेज को हम माइक्रो एसडी कार्ड की सहायता से 256GB तक बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें हमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। Realme 2 Pro की बात करते हैं, इस मोबाइल फोन में हमें कोलकॉम स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट देखने को मिलेगा। दोस्तों मोबाइल फोन तीन वेरियंट्स में आता है, 4GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम। हालांकि दोस्तों इसके स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की सहायता से आसानी से बढ़ा सकते हैं इसमें, लेकिन दोस्तों हमें माइक्रो एसडी कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट अलग से मिल जाता है। कैमरे की बात करें तो दोस्तों दोनों ही मोबाइल फोन में हमें डुअल रियर कैमरे देखने को मिलते हैं। बात करें Redmi Note 6 Pro की तो दोस्तों इसमें हमें 12+5 मेगापिक्सल का विद LED फ्लैश के साथ रियर कैमरा देखने को मिलता है और 20+2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि Redmi Note 6 Pro में हमें 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 2 रियर कैमरे और 2 फ्रंट कैमरे। जी हां दोस्तों, 4 कैमरे हमें Redmi Note 6 Pro में मिलेंगे। Realme 2 Pro में दोस्तों हमें 16+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है विद LED फ्लैश के साथ और 16 मेगापिक्सल का दोस्तों इसमें हमें सेल्फी के लिए कैमरा देखने को मिल जाता है Realme 2 Pro में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैमरे में कहीं ना कहीं मुझे Redmi Note 6 Pro एक बेटर मोबाइल फोन लग रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें हमें फ्रंट में भी 2 कैमरे देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों ही मोबाइल फोन के एंड्रॉयड वर्जन की। दोस्तों दोनों ही मोबाइल फोन में हमें एंड्रॉयड ओरियो देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं मोबाइल फोन के बैटरी की। तो Redmi Note 6 Pro में हमें 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, वहीं Realme 2 Pro में हमें 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 500 mAh बैटरी Redmi Note 6 Pro की बड़ी देखने को मिलती है कंपेयर टू Realme 2 Pro। ये थे दोस्तों दोनों ही मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि Redmi Note 6 Pro को 22 नवंबर को इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा और Realme 2 Pro को लॉन्च किया जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि Realme 2 Pro के बेस वेरिएंट के प्राइस 13,990 रुपये से स्टार्ट होते हैं और दोस्तों Redmi Note 6 Pro के प्राइस अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों इसके 16,000 से 17,000 के बीच स्टार्ट हो सकते हैं। मैं आपको दोस्तों कम प्राइस में और अच्छा मोबाइल फ़ोन रेकमेंड करना चाहूँगा इसमें Realme 2 Pro को, जहाँ दोस्तों Realme 2 Pro हमें कम पैसे में अच्छी स्पेसिफिकेशन मुहैया करा रहा है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में Realme 2 Pro की तरफ जाऊँगा। हालांकि दोस्तों Redmi Note 6 Pro भी एक अच्छा मोबाइल फ़ोन है, लेकिन दोस्तों हमें कम प्राइस में एक अच्छा मोबाइल फ़ोन मिल रहा है तो हम महंगे की तरफ क्यों जाए। तो दोस्तों इसमें हमें वाटर ड्रॉप नोच भी देखने को मिल जाती है Realme 2 Pro में और स्पेसिफिकेशन वगैरह सब कुछ इसमें हमें अच्छा देखने को मिलता है Realme 2 Pro में भी। तो Redmi Note 6 Pro भी हम अच्छा मोबाइल फ़ोन है, लेकिन प्राइस कहीं ना कहीं इसके मेरे हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि कंपटीशन में इसके लिए पहले बहुत से मोबाइल फ़ोन आ चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप Realme 2 Pro को खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों आप Realme 2 Pro को खरीद सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं Redmi Note 6 Pro को तो आपको वेट करना होगा और थोड़े पैसे ज़्यादा खर्च करने होंगे Realme 2 Pro से। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि Realme 2 Pro की तरफ भी जा सकते हो। अगर दोस्तों आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।